नमस्ते दोस्तों, आशा करती आप कैसे सब हैं बहुत आप। अच्छे होंगे। मैं एक और वीडियो लेके आई हूँ, वो भी मीशो से रिलेटेड। वो मीशो से बने हैं। पहले भी मैं मीशो से मतलब ब्लाउज की वीडियो बना हाँ तो चुकी हूँ, तो जाकर आप देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लाउज हैं, बहुत रीजनेबल हैं। इस वीडियो में ये चार ब्लाउज मैंने इंक्लूड किए हैं, और भी थे लेकिन वो खुद ही कैंसिल हो गए थे, तो मुझे वो इतने पसंद थे मैंने दोबारा परचेज किया है। उसमें से दो कलर मैंने करे हैं सेम ही ब्लाउज के, सेम डिजाइन के। तो वन बाय वन देखते हैं कि क्वालिटी कैसी है और किस प्राइस में मुझे रिसीव हुए हैं, ताकि मतलब इससे आप बहुत ज्यादा फायदा ले सके, परचेज कर सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो ब्लाउज है ये वाला है, ब्लैक कलर में। मतलब पहनने के बाद सभी ब्लाउज बहुत अच्छे लग रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसे आप रेड कलर की साड़ी के साथ, प्लेन रेड कलर की साड़ी के या सिल्क की मेहरून के साथ, बहुत ही खिल के आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। अभी भी आप देख सकते हैं रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा लग रहा है। इसका गला जो है आगे से बहुत ज़्यादा डीप है, बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा काम करवाना पड़ेगा। लूज़ भी है, इसकी फिटिंग वगैरह लूज़ है। इस तरह की सॉफ्ट फैब्रिक जो है बहुत ही सॉफ्ट है, चुभने वाला इसमें कुछ नहीं है। लाइनिंग जो है कॉटन की है, इस तरह की हमारी एल्बो तक तो नहीं, हाँ मतलब इतनी हमारी एल्बो तक यहाँ तक थी। 3/4 स्लीव्स नहीं थी, हाफ स्लीव्स थी, हाफ स्लीव्स का है ये। सिल्क पैटर्न में है, इस तरह का है। बहुत ही अच्छा लग रहा था ब्लाउज, बहुत बहुत खिल के आ रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। आगे से यहाँ से टेलर से आपको थोड़ा स्टिच कराना पड़ेगा ऐसे ब्लाउज, बहुत ही डीप था गला, यही इसमें प्रॉब्लम है, और कुछ नहीं थी इसमें। हमें पैडेड वगैरह है, पैड वगैरह इसमें लगे हुए हैं, आप रिमूव भी कर सकते हैं। पीछे हमें इस तरह की डोरी मिलती है लटकन, और यहाँ पे पीछे हुक मिलते हैं, चार जो है हमारे ये हुक हैं बंद करने के लिए। तो इसकी कपड़े की क्वालिटी भी अच्छी है, बहुत अच्छा है, आप जरूर खरीद सकते हैं। ये 400, 450 इस रेंज में है, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी, और तो आप देख लेना। इसका ट्राई ऑन भी ऐड करूंगी, तो आप देखना, बहुत ही प्यारा लग रहा था। इसमें बहुत सारे कलर अवेलेबल हैं, तो आप अपने हिसाब से परचेज कर सकते हैं। मैं जो ज़्यादातर जो सबसे पहले वाला जो साइज़ होता है ना, 34 होता है, तो 34 लेती हूँ, वरना 36 ले लेती हूँ। अगर मतलब फिर भी आप वो वाला ही साइज़ मैंने लिया होगा, लेकिन फिटिंग वगैरह बहुत अच्छी नहीं है, आपको करवानी पड़ेगी टेलर से। क्वालिटी वगैरह इसकी बहुत अच्छी, मतलब फैब्रिक वगैरह की क्वालिटी वगैरह ना बहुत अच्छी है, और मुझे बहुत पसंद आया। किसी भी रेड साड़ी के साथ, येलो के साथ, ग्रीन के साथ, सिल्क की साड़ी के साथ बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत थम्सअप है, बिग थम्सअप, आप खरीद सकते हैं। सेकेंड जो ब्लाउज है ये भी सेम इसी में है। मैंने कलर चेंज, मैंने एक्चुअली रेड कलर मंगाया था, मैरून कलर, गलती से उन्होंने मर्जेंटा कलर दे दिया, और ये मेरे पे ऑलरेडी इस कलर का एक और मीशो से ब्लाउज मैंने खरीदा हुआ है, तो मैं इसे रिटर्न करूंगी। सेम वही है, कलर बस डिफरेंट है, इस तरह का है, आगे से बहुत डीप है, फैब्रिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है, A1 है, सिल्क में है, शाइनिंग है कपड़े में, इस तरह के। और ये जो हमारा है ये धागा जो होता है ना कपड़े में, इसी मतलब फॉइल प्रिंट नहीं है, इसी भी कपड़े में ये थ्रेड का काम है, इस तरह का। किसी भी सिल्क की साड़ी के साथ, येलो के साथ बहुत अच्छा लगेगा, ग्रीन के साथ सिल्क की साड़ी हो बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत खिल के आएगा। पार्टी वियर है, शादी वियर है, शादी में आप पहन सकते हैं। पीछे हमें इस तरह के बटन मिलते हैं, पैडेड है और कॉटन के अंदर लाइनिंग है। ये भी 400-450 का है। प्राइस जो है अप डाउन होते रहते हैं, कुछ चीज़ें हैं मैंने जिस प्राइस पे मंगाई थी, बाद में मैंने वो प्राइस देखे तो बहुत ही कम हो गए, तो प्राइस जो है बहुत अप डाउन होते रहते हैं। जैसे ही प्राइस कम हो आप स्टिच कर लीजिए और मंगा लीजिए, बहुत A1 है, आप खरीद सकते हैं। सेकेंड जो है, थर्ड ब्लाउज जो है मस्टर्ड येलो है, ये वाला बहुत ही अच्छा है, और इसमें ज़्यादातर ज़्यादा इस ब्रांड के ना दो चार ब्लाउज ही हैं। ये वाला मैंने फर्स्ट टाइम मतलब मंगाया है, बहुत ही अच्छा है ये। आपको कोई खरीदना हो ना खरीदना हो, ये वाला और एक और ब्लाउज दिखाऊंगी, वो तो ज़रूरी खरीदना। इसका नेक आगे से बहुत अच्छा है, डीप नहीं है, बिल्कुल सिंपल सुबर अच्छा है। इसमें मैंने 34 या 38 साइज ऑर्डर किया था, 38 या 34 जो शुरू में होते हैं ना साइज, वही मैं ऑर्डर करती हूँ। तो वो वाला यहाँ से मेरे को बिल्कुल फिटिंग आई थी, इधर से देखो स्लीव्स है, यहाँ से बिल्कुल फिटिंग आई थी, और लेकिन स्लीव्स जो है स्लीव्स थोड़ी सी मुझे इतनी लूज थी, इतनी लूज थी, तो फिटिंग इसकी स्लीव्स वगैरह की करानी पड़ेगी। इस तरह का हमारा ये कपड़े में ही है, कोई अलग से बॉर्डर नहीं लगा हुआ। मस्टर्ड येलो है, बहुत ही अच्छे वाला येलो कलर है, बहुत ही अच्छा पैडेड है, बहुत अच्छा मस्टर्ड येलो और मेहरून के कॉम्बिनेशन में बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब ये वाला ब्लाउज जो है ना आपकी मोस्ट ऑफ साड़ी के साथ, मेहरून के साथ हो, कोई ऑफ वाइट साड़ी है जो केरल की ट्रेडिशनल होती है ना, ऑफ वाइट कलर की कॉटन की साड़ी, उसके साथ चल जाएगा। किसी भी सिल्क की साड़ी के साथ, ग्रीन के साथ, ब्लू के साथ, मतलब मस्टर्ड येलो का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा बनता है।
आप ज़रूर खरीद सकते हैं। पैडेड है और कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत सॉफ्ट है और सिल्क के कपड़े में है, सिल्क है ये। इसमें हमें मेहरून कलर की स्लीव्स मिलती हैं। पीछे से इसका जो बैक है ये भी बहुत अच्छा है। इस तरह की मतलब इस तरह का ब्लाउज ना मेरे पास अभी तक नहीं था, सोचो। और ये पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसकी फिटिंग वगैरह ना यहाँ से बहुत अच्छी आ रही थी। स्लीव्स ही थोड़ी लूज थी, वो मुझे सही करानी पड़ेगी। और इस तरह का है, और ये भी ना इसके जो थ्रेड का काम है ना ये बिल्कुल वो नहीं है कि मतलब खींचोगे ना तो टूटेगा नहीं। कई ब्लाउज के होते हैं ना टूट जाते हैं, आपको दोबारा सिलाई मारनी होती है। तो बहुत ही मजबूत है, स्टिचिंग वगैरह बहुत मजबूत है, पैडेड है हमें दी गई है, मतलब बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया और पहनने के बाद भी बहुत अच्छा लगा था। आप ज़रूर खरीद सकते हैं। बहुत फोर्थ जो ब्लाउज है ये भी इसी ब्रांड का है, और प्रोडक्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, आप जाके आराम से खरीद सकते हैं। इसका भी बैग बहुत अच्छा है, ये है इस तरह का। इसका नेक आगे का ना बहुत डिसेंट है, बहुत डीप नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा था। नेक इस तरह का है, इसकी भी कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी है, सिल्क में है और सिले सिलाए हमें मतलब कपड़े के साथ। अगर हम कपड़ा भी खरीदते हैं ना, एक ब्लाउज मैंने ख़रीदा था ग्रीन कलर का, वो आपने देखा भी होगा, मैंने अपने भाई की सगाई के लिए ख़रीदा था, बनवाया था। वो कपड़ा लिया था 750 का कपड़ा पड़ा था, फिर सिलाई दी थी मैंने 600-700 दी थी। तो वो ब्लाउज मैंने सिर्फ एक ही बार पहना है, वो ऐसे ही रखा हुआ है। तो मीशो के ब्लाउज ना बहुत ही अच्छे हैं, इनके कपड़े की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और मतलब हमें बस टेलर से थोड़ी फिटिंग करवानी पड़ेगी। तो वो ही है बस, यहाँ से हमें इस तरह का लेस मिलती है लगी हुई बाजुओं पे और नेक पे। और इसमें फिनिशिंग वगैरह भी बहुत अच्छी है, स्टिचिंग की जो क्वालिटी है ना, सिलाई वगैरह वो भी बहुत अच्छी है। और बहुत और पीछे हमें मिलता है, पीछे इसका ऐसा गला है, ये रहा पीछे, ऊपर बस एक हुक है और नीचे हमें ऐसी डोरी मिलती है, ये डोरी। तो पीछे ना मैं स्क्रीन पे लगाऊंगी, बहुत अच्छा आ रहा था, पूरा दिख रहा था यहाँ से, यहाँ से टाइट हो जाएगा और ऐसे इसका गला है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। ब्लैक कलर के साथ, मेहरून के साथ, येलो के साथ, डार्क पर्पल जो है ब्लैक के ग्रीन के कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत मस्त है, ब्लाउज है तो आप ज़रूर खरीद सकते हैं। कपड़े की क्वालिटी, फिटिंग वगैरह में थोड़ी इशू है, और ये भी पैडेड है, पैडेड ब्लाउज है। अंदर जो कपड़े की लाइनिंग है वो भी हमें कॉटन की मिलती है, तो चुभने वाला इसमें कुछ भी नहीं था। मैंने ट्राई किए थे पहन के तो कुछ भी नहीं चुभ रहा था, और हमें इस इतना मार्जिन मिलता है ब्लाउज में, इतना मार्जिन मिलता है तो बहुत सही है। मेरा मतलब सिलाई इसमें ऑलरेडी लगी हुई है, अगर आपको टाइट वगैरह होते हैं ना आगे जाके कुछ भी, मतलब फिटिंग के आते हैं और टाइट होते हैं, तो आप इसे एक एक सिलाई खोल भी सकते हैं, तीन तीन सिलाई लगी हुई है, बस सिलाई खोलो और फिटिंग का हो जाएगा ये। और सभी ब्लाउज़ों में हमें मार्जिन मिलता है, येलो में भी देखो दो सिलाई लगी हुई हैं ऑलरेडी, तो अगर टाइट भी आता है तो आप खोल सकते हैं सिलाई। बात की इसमें हमें इतना मार्जिन मिलता है बस, लेकिन ये भी सही है। इसमें भी बहुत सारे कलर अवेलेबल थे, मेहरून था, मैंने रेड मंगाया था क्योंकि रेड है ना मेरे पास है नहीं, तो रेड मंगाया था, लेकिन रेड इसमें भेजा नहीं, पर्पल कलर का भेज दिया। ये वाला ब्लाउज भी बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसमें भी हमें इसमें इतना मार्जिन मिलता है। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आप सारे ही खरीद सकते हैं, मतलब सारे ही बहुत ही अच्छे हैं। ये वाला पहनने के बाद ब्लैक बहुत ही अच्छा लग रहा था, और ये पर्पल की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और ये वाला मस्टर्ड येलो तो भैया मस्त लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, तो आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। नमस्ते दोस्तों।